कोई उसे कॉन्स्पिरेसी मानने को तैयार नहीं, सब उसे नेचुरल मान रहे थे, उसको हल्का करने की कोशिश कर रहे थे। क्या वजह थी कि जज आप ही को शॉकिंग इतना हाई प्रोफाइल केस? मुझे कहा गया था कि जो गोधरा का मेन केस है साबरमती एक्सप्रेस का, उसको आपको इन्वेस्टिगेट करना है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इस तरह की घटना इससे पहले कभी नहीं हुई थी। अब ऐसी आग लगी थी जिसमें हार्डली 7-8 मिनट में पूरा बोगी फ्लेम में था। मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि ये मोटिवेटेड इन्वेस्टिगेशन। सत्ताईस फरवरी 2002 ये वो दिन था जो कि न सिर्फ भारतीय राजनीति बल्कि क्राइम, इतिहास, कॉन्स्पिरेसीज इन सब के हिसाब से मील का पत्थर बन गया। मील का पत्थर बना एक साजिश के बेनकाब होने और फिर उसके लॉजिकल एंड तक जाने तक। गोधरा कांड भारतीय राजनीति में फुटबॉल की तरफ ही उछाला गया। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गोधरा कांड के बाद गुजरात में दंगे हुए, दंगों को लेकर मोदी पर जबरदस्त राजनीतिक प्रहार किए गए। लेकिन जिस वजह से गुजरात में दंगे हुए यानी गोधरा कांड, उसको लेकर विपक्ष यानी वो लोग जो कि मोदी पर हमले बोल रहे थे ज्यादातर खामोश रहे। कोई उसे कॉन्स्पिरेसी मानने को तैयार नहीं था, सब उसे नेचुरल मान रहे थे, उसको हल्का करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में जिस अधिकारी ने गोधरा कांड की जांच को आगे बढ़ाया, उसको सुपरवाइज किया और फिर पूरी कॉन्स्पिरेसी को उसका पर्दाफाश किया, वो हमारे साथ हैं। बात कर रहे हैं हम राकेश अस्थाना की, जो कि 1992 से लेकर 2002 के बीच 10 साल तक सीबीआई में सर्व करने के दौरान, जिस दौरान उन्होंने चारा घोटाले की भी जांच की थी, उसमें चार्जशीट किया था और वो भी बिहार में मुख्यमंत्री रहे हुए लालू प्रसाद यादव को, गुजरात पहुंचे थे। गुजरात पहुंचने के महज कुछ दिनों के अंदर ही गोधरा कांड की जांच उनको दी गई, जो घटना हुई थी करीब 2 महीने पहले ही। अस्थाना साहब, स्वागत है एक बार फिर से आपका। थैंक यू। ये बताएं कि आप अप्रैल के, मुझे लगता है कि अप्रैल 2002 के आखिरी दिन गुजरात पहुंचे थे और मई के पहले हफ्ते में शायद आपको गोधरा कांड की जांच मिली। क्या वजह थी कि जांच आप ही को सौंपी गई? इतना हाई प्रोफाइल केस था। देखिए, ऐसा है, सीबीआई का डेपुटेशन पूरा करने के बाद 2 महीने छुट्टी मिलती है, तो मैं मई में नहीं अप्रैल में मैंने ज्वाइन किया था, 4 अप्रैल 2002 को। उस समय तक गोधरा जो साबरमती एक्सप्रेस का इंसिडेंट है वो हो चुका था और उसके बाद रायट्स हुए थे वो हो चुके थे। मामला चूंकि काफी पब्लिसाइज था, सुप्रीम कोर्ट में काफी लोग, काफी केसेस पहुंचे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में भी एक प्ली ली गई थी कि जितने भी केसेस है इम्पोर्टेंट वो सीबीआई को दे दिए जाए। तो ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया था तब तक मैं गुजरात वापस आ चुका था और आने के बाद मेरी पोस्टिंग 4-5 दिन के बाद, 4 अप्रैल को ज्वाइन किया था, करीब 8 या 9 अप्रैल को डीआईजी सीआईडी क्राइम के तौर पे पोस्टिंग हुई थी और मुझे कहा गया था कि जो गोधरा का मेन केस है साबरमती एक्सप्रेस का, उसको आपको इन्वेस्टिगेट करना है। एसआईटी बनी थी, उसका हेड मेरे को बनाया गया था। उसके अलावा और कोई असाइनमेंट नहीं था मेरे पास, सिर्फ इसी केस पे फोकस करना था। मुझे लगता है हाइंडसाइट में अगर देखें तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामले चल रहे थे और गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में शायद ये प्ली लिया था कि हमारे जो अधिकारी अभी सीबीआई से लौट के आए हैं उनको हमने इन्वेस्टिगेशन का काम सौंपा है, तो इट शुड कंटिन्यू विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो उस बैकग्राउंड में मेरी पोस्टिंग हुई होगी और ये केस मेरे को इन्वेस्टिगेट करने को दिया गया। मुझे ऐसा लगता है ये सोच के कि सीबीआई में मेरा 10 साल का जो एक्सपीरियंस था उसका उपयोग अच्छे से हो पाए और एक निष्पक्ष
जांच हो पाए, क्योंकि मैं काडर में करीब 10 साल तक नहीं था और वापस लौट के आया था, तो ये भी सोचा होगा कि कोई मेरा पर्सनल इसमें वो इंटरेस्ट नहीं है या कोई दूसरी तरह का इंटरेस्ट नहीं है, तो निष्पक्ष जांच हो इसके लिए सरकार ने केस दिया। गोधरा कांड 27 फरवरी 2002 को हुआ। जो कांड था वो ये था कि साबरमती एक्सप्रेस के S6 डब्बे में आग लगा दी गई थी, जिसमें कि उसी समय 58 लोगों की मौत हुई थी। 68वें व्यक्ति की मृत्यु जो है अगले दिन हुई थी। 59 लोगों की मौत का ये जो वाकया था, स्वतंत्र भारत के इतिहास में इस तरह की घटना इससे पहले कभी नहीं हुई थी, जबकि ट्रेन की एक बोगी को बाहर से उसमें पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी जाए, लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जाए, और जिसमें कि महिलाएं, छोटे बच्चे सब थे, और इस तरीके से उनकी दर्दनाक मौत हुई। गोधरा रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर ये घटना घटी थी, आउटर पर। जब आपने जांच का सिलसिला शुरू किया, चूंकि उसके पहले मुझे याद है कि रेलवे पुलिस ने उसकी जांच शुरू की थी, बाद में SIT बनी और आपने बताया कि उस SIT की जिम्मेदारी उसके हेड के तौर पर आप नियुक्त हुए और आपने जांच जब शुरू की, तो पहली चीज आपको क्या ध्यान में आई? चूंकि उसके पहले ऑलरेडी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी जो है सो शुरू हो चुकी थी, कई लोग और खासतौर पॉलिटिशियन ये कहा कि साबरमती कांड या जो गोधरा कांड जिसको हम लोग जानते हैं, उसको ये कह के जस्टिफाई करने में लगे हुए थे कि नहीं जी, वो जो कार सेवक थे जो कि अयोध्या से लौट रहे थे, उन्होंने गोधरा रेलवे स्टेशन पर जो वेंडर्स थे उनके साथ मारपीट की, और उन वेंडर्स में ज़्यादातर मुस्लिम्स थे, उनके साथ मारपीट की, और उसकी वजह से जो है एक गुस्सा हुआ, और उस गुस्से में जो है वो ट्रेन के उस डब्बे में आग लगा दी गई, और जिसमें कि लोगों की मौत हुई। जब आपने जाँच शुरू की तो आपको क्या वो चीज़ें सबसे पहले ध्यान में आई जिससे कि आपको लगा कि नहीं जी, यह एक नॉर्मल इंसिडेंट नहीं था, यह एक हार्डकोर कॉन्स्पिरेसी थी और सोची समझी साजिद के तहत इस तरह के खौफनाक वाक्य को अंजाम दिया गया? देखिए, ये बहुत ही खराब इंसिडेंट था। इसमें काफी लोगों की मौत हुई, बच्चे मरे, लेडीज मरी, और इसमें बोगी में लोगों को बंद थे जो लोग, उनको जला दिया गया, तो नेचुरली इसका बहुत बुरा असर पड़ा था। और फिर रायट्स भी हुए गुजरात में। मैंने जब इन्वेस्टिगेशन का सुपरविजन शुरू किया तब तक 2 महीने लगभग बीत चुके थे। एज ए पुलिस ऑफिसर मुझे लगता था कि ये हुआ कैसे होगा, क्योंकि जैसा अभी आपने बताया उसमें लोग बाग ये कहते थे कि झगड़ा हुआ प्लेटफॉर्म पे और जब ट्रेन आगे गई तो उसका अलार्म चेन पुल करके गाड़ी को रोका गया, पत्थरबाजी हुई और आग लगा दी गई। उस समय मैंने ये भी लोग वह कहते थे कि ये जो कार सेवक लौट रहे थे इनके साथ स्टोव थे, खाना वाना बनाते थे, तो आग अंदर से ही वो एक्सीडेंटली लग गई। काफी थ्योरीज थी और उसके बीच में इन्वेस्टिगेशन का मुझे चार्ज दिया गया सुपरविजन का। मुझे कोई इस तरह का इन्वेस्टिगेशन होता है तो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो शुरू के काफी दिनों में मुझे अभी भी याद है, काफी गर्मी का समय था, लेकिन मेरा काफी समय धूप में और उस ट्रैक पे बीता जिस ट्रैक के ऊपर ये इंसिडेंट हुआ था। मैंने कई दफे रेलवे प्लेटफॉर्म जहाँ ट्रेन खड़ी हुई, S6 कहाँ पे सिचुएटेड था, कैसे झगड़ा हुआ, फिर आगे कितनी दूर गई, वो आउटर सिग्नल पे बी केबिन बोलते हैं उसके सामने S6 जाके रुका, फिर उस पर पत्थरबाजी हुई, आग लग गई। काफी बार मैं गया आया जहाँ पे बोगी सिचुएटेड था वहां भी खड़े होकर देखा। मुझे ये महसूस हुआ कि ये ट्रेन में जो भी आग लगी है और जिसमें इस तरह की मौतें हुई है, करीब 59 लोगों की मौत हुई थी, तो ये मतलब ऐसा एक्सीडेंटली कि पत्थरबाजी हुई, बाहर से किसी ने केरोसिन छिड़का और आग लगा दी, वैसा नहीं हो सकता है। क्योंकि जब वहां जहाँ पे बोगी जिसमें आग लगी, अगर उस जगह पे आप जाएं तो आप खुद ही महसूस करेंगे। मैंने 2-3 चीजें नोटिस की। एक तो अगर आग लगी है बोगी में, बाहर से केरोसिन डाल के आग लगाई गई है,
तो जो रेलवे स्लीपर्स हैं, जो दो पटरियों के बीच में ले किए जाते हैं वुडन स्लीपर्स, उसमें भी आग लगनी चाहिए थी क्योंकि वुडन स्लीपर्स थे, तो वो वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। और फिर जब वहां पे बोगी को, उसी टाइप के बोगी को प्लेस करा के देखा गया, तो जो हाइट है नीचे जमीन से लेके पत्थर बाजी करके और उसको तोड़ने की और बाहर से पेट्रोल डाल के या केरोसिन डाल के आग लगाने के लिए, तो हाइट इतनी ज्यादा है कि नॉर्मल कोर्स में अगर नॉर्मल हाइट का भी आदमी है, मान लीजिए 5.5 फीट का या 5 फीट 10 इंच का या 6 फीट का भी, तो वो आराम से नहीं पहुंच सकता है खिड़की तक भी, क्योंकि हम तो प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं तो खिड़की लेवल पे आती है। जब आप ट्रेन आगे चली जाए तो वो पटरी पे अगर नीचे आदमी खड़ा है तो वो बोगी के खिड़की तक भी हाथ नहीं पहुंच सकता है। तो ये सब नेचुरल जो चीजें मेरे दिमाग में थी ना, जब ये नीचे से हाथ नहीं पहुंच सकता है, पत्थरबाजी कर रहे हैं, अंदर पेट्रोल डालेंगे या बाहर पेट्रोल डालेंगे तो आग लगेगी कैसी, और ऐसी आग लगी थी जिसमें हार्डली 7-8 मिनट में पूरा बोगी फ्लेम में था, और अगर आप बाहर से पेट्रोल डाल रहे हैं या केरोसिन डाल रहे हैं तो जो आग का पैटर्न अगर अभी भी आप फोटोग्राफ्स में देखेंगे तो खिड़की से नीचे तक का पोर्शन जला हुआ दिखाई देगा, ओके, ऊपर का जला हुआ दिखाई देगा, उससे नीचे का पोर्शन अगर आप देखेंगे तो उसका जो पेंट है वो इंटैक्ट है। जी हाँ, तमाम हम लोग भी गए थे उस समय में और हमने देखा, अभी भी आप फोटो देखें तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो बाहर से पेट्रोल अगर जो भी डालेगा तो नेचुरली वो जिस हाइट तक है उसी हाइट तक डालेगा ना, तो नीचे ज्यादा पेट्रोल जलना चाहिए, ऊपर कम जलना चाहिए, वो वैसा बर्निंग पैटर्न ही नहीं था। फिर उस बोगी के अंदर अगर जब मैं गया और देखा, एग्जामिन किया, तो बोगी के पिछले हिस्से से लेके मिडल तक का जो हिस्सा है वो ज्यादा जला हुआ था, और मिडल से आगे वाला जो हिस्सा है जो 1 नंबर की बर्थ तक जाता था वो कम जला हुआ, एक पैटर्न बना हुआ था जलने का। तो ये सब चीजें देख के प्राइमरली ये लगा कि ये चीज बाहर से नहीं हुई है, ये अंदर से हुई है। ये अंदर से हुई है, ये कैसे किसी की पूछताछ में सामने आया? नहीं नहीं, पूछताछ नहीं, ये सिर्फ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन और जो डिब्बे का बर्निंग पैटर्न था वो देख, ये मतलब मेरा हंच था, कंक्लूजन में अभी नहीं ड्रॉ किया, मतलब इट वाज ओनली ए हंच शुरुआत में। फिर अंदर से इसीलिए मैं बोल रहा था क्योंकि अंदर जो बर्निंग पैटर्न, आप बाहर से पेट्रोल डालिएगा तो सब एक जगह एक जैसा होना चाहिए ना, और अंदर चूंकि आग लगी है और 5 मिनट में आग पूरा लपेट में ले लिया पूरी बोगी को, तो वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल या केरोसिन शुड बी वेरी हाई, तभी अंदर से इतनी ज्यादा आग लग सकती है। स्टोव वाली थ्योरी भी ठीक नहीं थी क्योंकि स्टोव में कितना केरोसिन होता है, हार्डली 1 लीटर या 1.5 लीटर बड़ा से बड़ा अगर स्टोव होता है, और इतना जैम पैक था वो डब्बा, उसमें सीटिंग कैपेसिटी मेरे ख्याल से 65 या 70, 72 वाली जो होती थी, जो नॉर्मल स्लीपर कोचेज जो होती हैं, उसमें करीब 125-150 लोग थे, तो अंदर खाना बनाने की जगह कहाँ से आएगी। तो ये सब चीजें देखने के बाद लगा कि नहीं, कुछ अब इसको साइंटिफिकली देखना पड़ेगा। तो फिर FSL की टीम आई, उनको बुलाया, उन्होंने हम लोगों ने एक क्राइम सीन को वो किया फिर से करके, उसमें प्रैक्टिकली जो भी हुआ था वो करके देखा, जैसे ट्रेन रुकी आगे तक गई, जहां पे डिब्बा खड़ा था, जहां जो S6 जहां पे खड़ा था, इट वाज अ कर्व, जो ट्रैक का पटरियां मुड़ती थी, मुड़ रही है, तो उसका जो टिल्ट था उसमें पेट्रोल अगर डाल रहे हैं या केरोसिन डाल रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टिल्ट पैटर्न से होगा। तो FSL के अधिकारियों ने भी देख के बताया कि साहब पीछे से मिडल तक का जो
बर्निंग पैटर्न है वो बहुत ही ज्यादा जला हुआ है और उससे आगे कम जला हुआ है। तो हम लोग ने पान वहां डिब्बा खड़ा किया सेम कॉन्फ़िगरेशन का और उसमें पानी डाल के देखा कितना पानी डालने से वो पानी वही पैटर्न पे कहां तक जाता है। आपने बताया कि जो बर्निंग पैटर्न था जो बाहर का डब्बे का, उसको देख के भी आप लोगों को लगा कि ये चीज बाहर से नहीं हो सकती, अंदर आप लोगों ने पानी डाल के देखा उससे भी एक पैटर्न एस्टेब्लिश हुआ, फिर ये लगा कि जो है ये नॉर्मल नहीं है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी है जिसमें कि अंदर से ही कुछ लाके कुछ किया गया, कैसे फिर आगे बढ़ी ये जांच? उसमें एक चीज और थी कि जो डिब्बे में अगर आप बंद कर देंगे दरवाजा और अंदर आग लगेगी तो दरवाजे का पिछला हिस्सा भी पूरा जलेगा, ठीक है, बाहर से अगर आप आग लगाएंगे तो बाहर का पोर्शन जलेगा। तो इसमें ये पाया कि जो डिब्बे के दरवाजे थे ये बाहर से नहीं अंदर से ज्यादा जले हुए थे। तो ये एक प्राइमरी कंक्लूजन हम लोगों ने ड्रॉ किया कि जब बोगी अंदर से बंद थी और आग अंदर से ही लगी है तो इसका मतलब है कि, और जो आग लगी है उसमें जो पेट्रोल या केरोसिन जो भी यूज किया उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो अंदर जो लोग थे वो तो लेके नहीं चल रहे थे, तो मतलब बाहर से एंट्री हुई है अंदर और तब ये आग लगी है। तो फिर उसका जो वेस्टिब्यूल्स का एग्जामिनेशन हुआ, वेस्टिब्यूल से जो दरवाजा जुड़ता है उसका एग्जामिनेशन हुआ, तो इस कंक्लूजन पे आया गया कि वो जबरदस्त वेस्टिब्यूल को काटा गया है और दरवाजे को जबरदस्ती खोला गया है, उसके मार्क्स थे। फिर गाड़ी ये जो डिब्बे का जो नंबर होता है बड़ा इंडिकेटिव होता है, उसका जो शुरू के दो नंबर होते हैं डेट ऑफ मतलब उसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर है और बाद में सीरियल नंबर होता है, तो उस लाइन पे भी इन्वेस्टिगेट किया तो जो डिब्बा था उसका और उसके साथ जो दूसरा डिब्बा जुड़ा हुआ था उनका अलग अलग टाइप के डिब्बे थे। तो एक डिब्बे में रबड़ का वेस्टिब्यूल था, एक डिब्बे में कैनवस का वेस्टिब्यूल, जो मोटा कपड़ा होता था, तो वो सारी चीजें देखा, उसको कैसे काटा होगा, कैसे घुसे होंगे, वो सारा रिकंस्ट्रक्शन सीन ऑफ क्राइम का किया, वो सारी चीजें की। फिर हम लोगों ने एक ट्रेन मंगाई उसी कॉन्फ़िगरेशन की रेलवे से बात करके, और प्लेटफॉर्म से लेके उस जगह तक पहुंचने में जो चेन पुल हुई है, तीन डिब्बों से चेन पुल हुई थी, तो सारा रिहर्सल करके देखा कितने टाइम में ट्रेन तीन डिब्बे से अगर एक साथ चेन पुल हो तो कितने समय में जाके वहां पे रुक जाएगी, वो कैलकुलेट किया। और फिर जो आई विटनेसेस के रिकॉर्ड किए थे एविडेंस, जिसमें रेलवे के ऑफिशियल्स थे, गार्ड हैं, स्टेशन मास्टर हैं, तो उनका ये कहना था कि ट्रेन चलने के कुछ ही देर में चेन पुल हुई और ट्रेन जाके रुक गई और फिर गाड़ी में से धुआं निकलता हुआ दिखाई देने लगा और पूरा गाड़ी मतलब ये बोगी जलने लगी। तो वो पूरा कैलकुलेशन करीब 20-21 मिनट का था, 8:05 या 7:05 से लेकर 7:20 से 8:20 तक का वो कैलकुलेशन था। तो उतने कम समय में एक्सीडेंटली आग नहीं लग सकती है अंदर से, या बाहर से भी आप डालेंगे तो इस तरह का बर्न नहीं मतलब बर्निंग पैटर्न नहीं बन सकता है। अच्छा, एक्सीडेंटली आग क्यों नहीं लग सकती, उसके लिए हम लोग ने आरडीएसओ से मंगाए थे डिटेल। तो बोगी में जो भी मटेरियल इनसाइड यूज किया गया था वो सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग मटेरियल था, ये एक्सीडेंटली आग भी लग जाए तो अपने आप बुझ जाती थी। तो इतनी बड़ी आग लगने के लिए बहुत देर तक आग का लगा रहना हो तभी इतनी बड़ी आग हो सकती है। तो ये सब चीजें देख दाख के वी केम टू ए कंक्लूजन कि गाड़ी के अंदर घुस के पेट्रोल डाला गया है क्योंकि पेट्रोल के कंटेंट्स मिले बर्निंग उसके अंदर से, और मिनिमम पेट्रोल जो यूज हुआ 40 लीटर का है, 40 लीटर से ज्यादा पेट्रोल यूज हुआ है और अंदर घुस के आग लगाई गई है। ये एफएसएल की जांच में जो करीब 1.5 महीने तक चली ये निष्कर्ष सामने आया। कॉन्स्पिरेसी बाहर कैसे आई कि किसने किया कैसे किया, उस तक आप लोग कैसे पहुंचे?
देखिए उस समय अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट टाइम जब हम लोगों ने ये निर्णय किया कि वी शुड पुट दीज मेन अक्यूज्ड फॉर लाई डिटेक्टर टेस्ट एंड ट्रुथ सीरम टेस्ट, उस समय काफी क्रिटिसिज्म हुआ था। तो जब ये ट्रुथ सीरम जो सोडियम पेंटाथोल वाला टेस्ट होता है उसमें कुछ अक्यूज ने काफी चीजें बताई हैं जो इंडिकेट करता था कि ये लोग घुसे थे अंदर, अंदर घुस के आग लगाई थी और पेट्रोल पहले से कलेक्ट किया गया था। फिर हमें एक आई विटनेस मिला प्लेटफॉर्म पे, जो वेंडर था जो ट्रेन के अंदर घूम घूम के चाय बेचता था, वो उसने काफी चीजें बताई। और सोडियम पेंटाथोल टेस्ट में जिस एक्यूज ने डिटेल बताया था उसका फिर हम लोग ने पूछताछ ठीक से किया और 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया। तो इन सब चीजों से ये जाहिर हुआ कि एक दिन पहले पेट्रोल एक पर्टिकुलर गेस्ट हाउस है वहां बी केबिन के पास, अमन गेस्ट हाउस, वहां पे इकट्ठा हुआ था और ट्रेन को रोका गया था जहां पे ये प्लेटफॉर्म खत्म होता है थोड़ा आगे जाने पे। अभी इसमें क्या है कि जब जहां पे ट्रेन रुकी उसके साइड में जो एरिया है दैट इज कॉल्ड सिग्नल पड़िया, 100% वो मुस्लिम लोकेलिटी है। और वहां से फिर लोग बाग आए, पेल्टिंग किया, स्टोन पेल्टिंग हुआ जिससे लोगों ने खिड़कियां गिरा ली और उस स्टोन पेल्टिंग का फायदा लेके ये 6-7 लड़के वेस्टिब्यूल काट के अंदर घुसे, पेट्रोल डाला और बाहर कूद गए। और बाहर से बर्निंग रैग्स करके जो टूटी विंडो पेन्स थी उसके थ्रू से पुश किया जिसकी वजह से आग लगी। इस तरह का इन्वेस्टिगेशन में चीजें निकल के बाहर आई। और फिर जो 164 का स्टेटमेंट हुआ था एक्यूज्ड का कॉन्फेशनल स्टेटमेंट, वो भी ओपन कोर्ट में हम लोगों ने करा था ताकि उसकी सैंक्टिटी ज्यादा रहे। आपने जो बात कही ओपन कोर्ट में 164 का स्टेटमेंट, मुझे लगता है बड़ी रेयर चीज है। नॉर्मली तो ये जो सो क्लोज डोर ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, ओपन डोर यानी जो सो ओपन कोर्ट में जो है 164 का स्टेटमेंट, जब भी ये चैलेंज नहीं था, ये बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था। और इसमें चूंकि क्रेडिबिलिटी वॉज एट स्टेक और हम लोग ये नहीं चाहते थे कि कोई बाद में इस चीज पे उंगली उठाए, तो वी रिक्वेस्टेड द कोर्ट कि आप हम इसको प्रोड्यूस करेंगे, आप इनसे पूछ लीजिए एंड ही विल टेल द ट्रुथ। एंड द मैजिस्ट्रेट आस्क्ड इन द ओपन कोर्ट, ही नरेटेड द एंटायर इंसिडेंट, इट वाज रिकॉर्डेड बाय द मैजिस्ट्रेट। एक चीज बताइए, खुद आदमी इस क्राइम में शामिल रहा था, कैसे तैयार हो गया अपने गुनाह को कबूल करने के लिए? साथी जो उसके साथी थे सारा भांडा फोड़ करने के लिए, वो भी जो है सो 164 का स्टेटमेंट जिसको कि कोर्ट सबूत के तौर पर लेती है क्योंकि कोर्ट खुद ही रिकॉर्ड करती है। इसका कोई प्लॉसिबल रीजन मेरे पास नहीं है, बट अगर आप, मुझे लगता है कि वो बाद में जो जिस तरह से उसने भी देखा होगा ना, इतने लोग मरे और इतना नुकसान हुआ, तो एक मॉरल कंपंक्शन हुआ होगा। बट आई डोंट बिलीव इन दिस ऑल्सो, मैं इस चीज का कोई प्लॉसिबल रीजन नहीं दे सकता हूँ। बट ही एग्रीड टू टेल द ट्रूथ बिफोर द कोर्ट और उसने किया। और उसके बाद फिर हमारा इन्वेस्टिगेशन जो हुआ, उसने जो चीजें उसने कही, केवल कन्फेशन करने से नहीं होता है, उसने कन्फेशन में जो चीजें बोली हैं उसको कोराबोरेट करना पड़ता है मटीरियली। तो वो इन्वेस्टिगेशन में कोराबोरेट हुई चीजें। और फिर वो जो इंडिपेंडेंट विटनेस जो मैंने बताया जिसको फिर हम लोगों ने प्रोटेक्शन दिया था, वो उसका स्टेटमेंट था। तो ये 2-3 स्टेटमेंट मिला के और साइंटिफिक जो इन्वेस्टिगेशन किया था वो किया हम लोगों ने। और उस तरह से फिर केस खुला और इसमें चीज बाहर आई कि ये मामला कोई एक्सीडेंटल फायर का नहीं था, इट वॉज अ केस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। इसमें आग लगाने का प्लान करके इसमें आग लगाई गई थी। जो अमन गेस्ट हाउस जिसका नाम लिया, उसमें एक दिन पहले मीटिंग हुई थी, लोगों ने पेट्रोल पंप जहाँ से पेट्रोल कलेक्ट किया था उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ भी बयान हुए, उन लोगों ने भी बताया कि हाँ ये इतना लीटर पेट्रोल ये लोग लेके गए थे।
तो वो सारी चीजें कोराबोरेटिव एविडेंस हम लोग ने गैदर किया। ये बताइए, इतने भयावह ढंग से लोगों को मारना, जिसमें कि बच्चे हों, महिलाएं हों, S6 डब्बे को ही निशाना बनाना, वजह क्या रही थी इसके पीछे? जो कॉन्स्पिरेटर्स थे, क्यों उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? इनके जो हैंडलर्स थे, इन्होंने कहा होगा इस तरह से करने के लिए। और हैंडलर्स अगर हम कह रहे हैं तो कौन, मतलब क्या इसमें ISI की इन्वॉल्वमेंट थी? देखिए, इस केस में इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ऐसे चीजें निकल के आई जो इंडिकेट करती थी कि हिजबुल मुजाहिदीन के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लोग शायद इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हमने कश्मीर में जाके कुछ लोगों को ला के इन्वेस्टिगेट भी किया था, बट हमारे पास प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस नहीं था उनको चार्जशीट करने के लिए, इसलिए नहीं कर पाए थे। बट ये फैक्ट जरूर है कि जिन लोगों ने ये एक्चुअल ऑपरेशन किया उनके पीछे लोग थे जिनके कहने के बाद किया, बट वी कुड नॉट आइडेंटिफाई दैट। जब आपने इस घटना की जांच शुरू की थी और ये घटना जिसकी वजह से गुजरात में दंगे हुए, उसके रिएक्शन के तौर पर, चूंकि जाहिर है लोगों में गुस्सा था कि इस तरीके से कैसे कोई चीज़ हो सकती है, जब आप लोगों ने जांच शुरू की तो केंद्र में NDA की सरकार थी, गुजरात में BJP की सरकार थी, नरेंद्र मोदी उसकी अगुवाई कर रहे थे। लेकिन जब जाँच आगे बढ़ी तो 2004 में UPA की सरकार आ गई और उस समय जो रेल मंत्री बने वो लालू यादव थे, जिनको कि आपने जिनके खिलाफ जाँच की थी चारा घोटाला के मामले में। और मुझे लगता है और मुझे याद है, चूंकि मैं था उस जगह, समलाया में एक रेल एक्सीडेंट हुआ था, वहां पर वो आए थे बतौर रेल मंत्री के तौर पर, शायद ये 2005 की घटना होगी, 2005 में लालू यादव ने आप लोगों की जो जांच थी, और इसी दौरान चूंकि गोधरा कांड और उसके बाद जो दंगे हुए थे उसकी जांच के लिए एक न्यायिक कमीशन भी बैठा था, जस्टिस नानावटी कमीशन जिसको हम बोलते हैं, तो एक तरफ कमीशन था, दूसरी तरफ आप लोग जो है आपकी SIT जांच कर रही थी, तीसरी तरफ रेल मंत्री के तौर पर खुद लालू यादव ने एक UC बनर्जी कमेटी भी फॉर्म कर दी जांच करने के लिए, कहती हुई कि वही गुजरात पुलिस की जो ये जांच पड़ताल जो है ये पूरी तरीके से मोटिवेटेड है, एक एजेंडा के तहत हो रही है, जबकि रेल मंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने कोई अलग से इंक्वायरी नहीं फॉर्म की थी, क्योंकि जो नियम है, जो कानून ये कहता है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत अगर कोई जांच हो रही है तो उसी के लिए दोबारा कोई कमीशन सेम ऑफेंस के लिए उसकी जांच के लिए नहीं हो सकता। लालू यादव जब मिले 2005 में, क्योंकि आप ये तो जांच कर ही रहे थे, साथ में बड़ौदा रेंज का चार्ज भी था आपके पास, तो मुलाकात कैसे रही थी? जो है 2005 में जब ये समलाया एक जगह जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, अनफॉर्चुनेटली वो भी साबरमती एक्सप्रेस का ही एक्सीडेंट हुआ था और पूरी ट्रेन पलट गई थी और काफी डेथ भी हुई थी और काफी लोग इंजर्ड भी हुए थे। मैं उस समय रेंज IG था बड़ोड़ा में और समलाया बड़ोड़ा रूरल या गोधरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। तो मेरे पास सुबह करीब 4 बजे के आसपास फोन आया, इस तरह से बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तो मैं नेचुरली मैं भी भागा वहाँ बड़ोड़ा से समलाया, रात में ट्रैवल करके विद इन 25-30 मिनट्स आई रीच्ड। काफी बुरा हाल था, तो वहाँ जो भी रेस्क्यू ऑपरेशंस हो रहे थे, फॉर्चुनेटली गुजरात में क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट काफी अच्छे से किया जाता है और कच्छ का जो अर्थक्वेक हुआ था उसके बाद से, तो वहाँ पे रेस्क्यू भी बहुत इमीडिएटली ऑर्गेनाइज हुआ था। और मुझे अभी भी याद है कि भाई 9:30-9:30 तक डेड बॉडीज जो थी उनको रिमूव कर दिया गया था, जो इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल में बड़ोड़ा ट्रांसफर कर दिया गया था, और जो बचे हुए पैसेंजर थे, स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स थे, उनके लिए बसेस अरेंज करके उनको अहमदाबाद या जहां भी जाना हो उनको रवाना कर दिया गया था। तो बाय 9:30 एवरीथिंग वाज क्लियर्ड और मुझे जाने की तैयारी हम लोग कर रहे थे, तब तक फोन आया मेरे पास कि रेलवे मिनिस्टर प्लान कर रहे हैं आने के लिए, तो एज ए मैटर ऑफ प्रोटोकॉल यू विल हैव टू बी देयर। तो मैं रुक गया, फिर वो रेलवे मिनिस्टर साहब आए। अब तो आयरनी है कि उनको मैंने पूछताछ की थी, फिर चार्जशीट किया था वो रेल फॉर्डस्कैम में, लेकिन चूंकि अब एक बार हम लोग फोर्स में है तो फोर्स का भी डिसिप्लिन होता है, चूंकि वो रेलवे मिनिस्टर थे तो जो भी इज्जत हमें देनी होती वो हमने दिया उनको और उनको कंडक्ट किया पूरे एक्सीडेंट साइट तक।
उन्होंने काफी सवाल पूछे भी, उनको बताया भी गया और कंडक्ट करके फिर वो चले गए वापस बड़ोड़ा। समलाया आने के लिए बड़ोड़ा एयरपोर्ट पे वो आए थे, तो वापस मेरे से उन्होंने पूछा कि इंजर्ड कहाँ है, यार डेड बॉडीज कहाँ है। तो मैंने बता दिया था कि इंजर्ड को हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया बड़ोड़ा और डेड बॉडीज चली गई है। बोले अच्छा ठीक है। फिर वो मेरे ख्याल से लौटते समय SSG हॉस्पिटल बड़ोड़ा में है, वहाँ पे गए होंगे देखने के लिए और कुछ हुआ होगा हाथ, आई डोंट नो। तो मैं उनकी कार पर किसी ने बर्फ की सिल्ली फेंक दी। वो नहीं, बर्फ की सिल्ली नहीं थी, वो जो पाउच में पानी होता है वो जो फ्रोजन था वो शायद ऊपर से फेंका गया था, तो पीछे का वो टूट गया था शीशा कांच कार का। मैं इनफैक्ट जब लौट के पहुंचा तो मैंने टीवी खोला था, मैं अपना तो जस्ट देख रहा था, जूते खोल रहा था। उस समय फिर टीवी पे रेलवे मिनिस्टर साहब का बयान चल रहा था, उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन। आप पर क्यों एलिगेशन की? आप तो बड़ौदा रेंज के प्रभारी थे और कमिश्नरेट जो है, चूंकि बड़ौदा कमिश्नरेट है वहां पर दूसरे अधिकारी थे। मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ था क्योंकि ऐसा कोई इंसिडेंट वहां तो नहीं हुआ था। फिर मेरे पर दिल्ली से और गांधीनगर से फोन भी आया कि तुमने क्या किया है, तो मैं भी आश्चर्यचकित था। और चूंकि इमीडिएटली टीवी खोलने पर उनका बयान चल रहा था तो मुझे लगा ये हुआ क्या। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ोदा कमिश्नरेट है और वहाँ पे पुलिस कमिश्नर अलग होते हैं और रेंज IG अलग होते हैं, रूरल एरियाज हम लोग देखते हैं। तो शायद उस समय मिनिस्टर साहब को ये आइडिया नहीं होगा कि ये कमिश्नरेट और रेंज अलग अलग है, तो उन्होंने मेरा नाम लिया होगा। कहीं ये नाराजगी तो नहीं थी कि एक तरफ चारा घोटाले में आपने उनको चार्जशीट किया था, उनका पॉलिटिकल करियर आपने एक तरह से काफी हद तक तबाह कर दिया था, उसके बाद से जिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को, जो साबरमती एक्सप्रेस के S6 डब्बे में जो आग लगाई गई थी, जिस कॉन्स्पिरेसी के पूरे केस को आप बिल्ड कर रहे थे, वो चाह नहीं रहे थे कि वो जो कॉन्स्पिरेसी दिखे, बल्कि मेरे ख्याल से एक्सीडेंटल फायर उसको प्रोजेक्ट कर रहे थे, और इसीलिए यूसी बनर्जी कमेटी भी उन्होंने फॉर्म की। क्या ये गुस्सा था क्या? हाइंडसाइट में कहता नाराजगी रही होगी डेफिनेटली, क्योंकि जस्टिस बनर्जी का जो कमीशन था उसका भी प्रोसीडिंग्स चल रही थी उस समय, और उस समय ये जरूर था कि ये गोधरा का जो इंसिडेंट हुआ जिसमें बोगी में आग लगाई गई वो कॉन्स्पिरेसी था या एक्सीडेंटल था, और इस पे काफी डिस्प्यूट्स थे, लोगों की अलग अलग ओपिनियंस थी, प्रेस में भी तरह तरह की ओपिनियंस थी। तो चूंकि हम लोग सरकारी अधिकारी हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं और अब बोलना उचित भी नहीं होता, तो जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे थे उसमें जो फैक्ट्स निकल के आ रहे थे वो सामने रखे गए थे। बाद में SIT भी बनी और फिर उस चीज की फिर से जांच हुई। मुझे लगता है बनर्जी कमेटी को खुद गुजरात हाई कोर्ट ने उसको अनकंस्टिट्यूशनल बताया था और उसको एक तरह से डिसबैंड भी कर दिया था, क्योंकि मामला चैलेंज हुआ था हाई कोर्ट में। हाँ, वो जुडिशियल जो झगड़े थे वो चले थे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस कॉन्स्पिरेसी को आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि कॉन्स्पिरेसी के तहत S6 डिब्बे में आग लगाई गई, चूंकि उसमें कार सिवक लौट के आ रहे थे अयोध्या से, कोर्ट में एक तरफ है कि आप मामले की जाँच कर लें, दूसरी तरफ है कि कोर्ट में आप उसको टिका लें, वह जो है कोर्ट की स्क्रूटनी में खरा उतरे और वो कन्विक्शन, इस चैलेंज को कैसे आप लोगों ने जो है अचीव किया कि वो कन्विक्शन हो, जो आप थ्योरी को प्रोपगेट कर रहे थे जिस कॉन्स्पिरेसी की आपने बात की थी, कैसे आप लोग इसको एग्जीक्यूट कर पाए? चूंकि यहाँ तक कि विटनेस को भी जो है भड़काने की तैयारी थी, उनको भी छीनने की तैयारी थी, उनको होस्टाइल डिक्लेयर करने की तैयारी थी, मेरे ख्याल से कुछ विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम भी आप लोगों ने चलाया था, कैसे आप लोग कामयाब हुए? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की भी स्क्रूटनी थी, सुप्रीम कोर्ट की SIT के पास भी यह जो चीज़ गई थी कि भाई आपने जो जांच की है वो जांच पक्की थी कि नहीं, उसमें कोई लूपहोल्स तो नहीं थे, उन्होंने अप्रूव किया आपकी जांच को, कैसे आप लोग ये इंश्योर कर पाए? देखिए, ऐसा ये सारा इन्वेस्टिगेशन बहुत प्रोफेशनली हम लोगों ने किया विदाउट एनी बायस, जो सच है उसको निकालने की कोशिश की। ब्लाइंड केस था और इसको मतलब डिटेक्ट करना इटसेल्फ वाज अ टास्क, जिस एरिया में ये इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट विटनेस मिलना बड़ा मुश्किल था। तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो और सरकमस्टांशियल एविडेंस कलेक्ट हो उसी पे बेस था। तो हम लोग, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की इसमें, और कुछ लोगों को जो बहुत की विटनेसेस थे उनको, उनका बयान भी कन्फेशनल 164 में रिकॉर्ड करा है CRPC में विटनेस के तौर पर, और उनको जब तक ट्रायल पूरा नहीं हो गया तब तक हम लोगों ने
छुपा के रखने की बात कह सकते हैं, उनको हाइड करके रखा, उनका प्रोटेक्शन दिया ताकि उसको कोई तोड़ नहीं पाए, उसका बयान भी हुआ। इस बीच में 2008 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे SIT की बनी और उसमें ये केस गया और डॉक्टर राघवन उसके हेड थे, डॉक्टर सतपति भी थे उसके मेंबर, दोनों सीनियर IPS ऑफिसर। राघवन तो CBI के डायरेक्टर भी रहे थे, जिसके अंदर आपने सर्व भी किया था एक समय। जी, डॉक्टर राघवन CBI डायरेक्टर थे, वो चेयरमैन थे, डॉक्टर सतपति DG रहे UP में और बाद में सेंट्रल डेप्यूटेशन पे थे, वो भी थे इसमें। तो उन्होंने केस को पूरा फिर से देखा, इन्वेस्टिगेट किया और मेरे को कम से कम काफी केस प्रेजेंट करने में, समझाने में, जगह पे ले जाके एक्सप्लेन करने में काफी समय लगा, काफी टाइम लगा, काफी मेरे को ग्रिल किया गया उसमें। और एक दफे तो ये लग रहा था जैसे कि मैंने ही कोई गुनाह कर दिया हो। फिर से चारा घोटाले की याद आ रही थी, जो अधिकारी ने कहा था आपको कि आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं आती। नहीं, उस समय ये लगता था कि अब हमने तो इन्वेस्टिगेशन अपना बेस्ट तरीके से जितना कर सकते थे किया था, अब दोबारा ये चीज हो रही है, मेरे से ही पूछताछ हो रही है, तो मुझे लगता था मैं ही क्यों इसमें गुनहगार बन रहा हूँ। तो मैंने कहा भी था जो कमेटी के SIT के जो हेड थे और दूसरे मेंबर्स थे कि प्लीज डोंट ट्रीट अस लाइक एक्यूज्ड। तो उन्होंने कहा था नहीं नहीं, तो हम लोग को ट्रुथ निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट हैपनिंग। और मुझे एक सेटिस्फैक्शन इस बात का है कि जब सुप्रीम कोर्ट में SIT ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो उन्होंने ये SIT के चीफ ने और उनके साथी जो दूसरे DG साहब थे उन्होंने ये सर्टिफाई किया कि गुजरात पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था उसमें उनको कोई कमी नहीं मिली और वही चार्जशीट अप्रूव की और उसके बाद उस पर ट्रायल चला और कन्विक्शन भी हुआ। और कन्विक्शन भी ऐसा हुआ जो भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है, क्योंकि 11 लोगों को फांसी की सजा हुई और 20 लोगों को लाइफ इंप्रिजनमेंट हुआ। तो ये नॉर्मल रायट के केसेस में इस तरह की सजा नहीं होती है, ये तो ब्लाइंड केस था। तो एक सेटिस्फैक्शन जरूर मिला कि हमने जो हमारी टीम ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था उसको SIT ने सही पाया और उस पर SIT ने उस चीज़ को कोर्ट में ट्रायल कराया और विटनेसेस जो थे जो हम लोगों के टाइम में जिन्होंने बयान दिया था वो वहाँ पे वैसे ही बयान हुआ, जो साइंटिफिक एविडेंस हम लोगों ने कलेक्ट किया था वो रखा गया, वो ट्रायल कोर्ट ने माना और उसको फिर कन्विक्शन किया और हाई कोर्ट की स्क्रूटनी में भी जो है वो हाई कोर्ट ने उसको अपील किया, बस वो जो फांसी की सजा थी उसको कन्वर्ट किया लाइफ इंप्रिजनमेंट में। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं तो ये कहूंगा कि इस केस में बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों ने एक्यूज को पकड़ा था और नॉर्मल कोर्स में बेल हो जाती है, बट इस केस में सुप्रीम कोर्ट तक भी बेल नहीं हुई। मतलब इतना एयर टाइट केस बनाया था आप लोगों ने, इन्वेस्टिगेशन तो अच्छा किया था। और वही जो हम लोग ने सीखा है पुलिस में और उसको इम्प्लीमेंट किया था इन्वेस्टिगेशन में, चीजें नए तरीके से देखी थी, कोशिश की थी और वो चीज खरी उतरी स्क्रूटनी में, तो बहुत बड़ी बात है। ये बताइए उस समय कैसा फील होता था जब बड़े एलिगेशंस लगते थे आप पर, आपकी टीम पर, कि चूंकि आप गुजरात कैडर के IPS ऑफिसर हैं, गुजरात में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली BJP की सरकार है और आप जो है किसी भी तरीके से कॉन्स्पिरेसी एंगल को प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि अगर कॉन्स्पिरेसी अगर उसमें नहीं साबित हुई तो इसका मतलब ये होगा कि जो एक एक्सीडेंटल इंसिडेंट जो था जिसमें कि एक दुर्घटना हुई थी उसको आधार बना के पूरे गुजरात में दंगे हो गए, क्या वाकई इस तरह का कोई प्रेशर था? देखिए उस वक्त बहुत ज्यादा स्क्रूटनी गुजरात पुलिस की हो रही थी, ये तो फैक्ट है, क्योंकि रायट्स के केसेस का भी रीइन्वेस्टिगेशन हो रहा था और इस चूंकि ये मेन केस था इसका भी इन्वेस्टिगेशन सही है या गलत है इसका भी स्क्रूटनी हो रही थी। और एक पक्ष ये कहता था कि मैंने चीफ मिनिस्टर को मदद करने, श्री नरेंद्र मोदी जी को मदद करने के लिए कॉन्स्पिरेसी एंगल हम ले आए हैं
ताकि उनको पॉलिटिकल फायदा मिले, और काफी क्रिटिसिज्म भी होता था। कई सीनियर पत्रकार थे जिन्होंने मेरे को अभी भी वो कहने से चूकते नहीं है, हालांकि किस्सा कुछ और था। वो ये कहते हैं कि मैंने मदद करने के लिए इस तरह का इन्वेस्टिगेशन किया है, वो ये चीज भूल जाते हैं कि ये जो भी इन्वेस्टिगेशन मैंने और हमारी टीम ने किया उसकी पूरी जांच एसआईटी ने की, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड एसआईटी ने की, उसी एसआईटी ने सर्टिफाई किया कि गुजरात पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही किया, उसमें कोई कमी नहीं मिली, और उसी इन्वेस्टिगेशन पर ट्रायल चल के सजा हुई जिसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एस्टैब्लिश हुई। लेकिन आज तक जिन लोगों ने इस तरह का क्रिटिसिज्म किया गुजरात पुलिस का, उन्होंने ये बात मानी नहीं है। मैं तो एज ए पुलिस ऑफिसर ये चीज मानता हूँ कि जो इन्वेस्टिगेशन गुजरात पुलिस ने उस वक्त किया, मैं बाई चांस एसआईटी का हेड था, मेरे सुपरविजन में किया, इट वॉज एन एक्सीलेंट इन्वेस्टिगेशन डन बाई देम, विच वॉज अप्रूव बाई दी एसआईटी। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि ये मोटिवेटेड इन्वेस्टिगेशन है, जो फैक्ट्स थे वो निकाल के हमने सामने रख दिए और जो कि कोर्ट की स्क्रूटनी में भी सही साबित हुआ। बिल्कुल, धन्यवाद अस्थाना साहब। इतनी बड़ी जो घटना थी उसको इस तरीके से इन्वेस्टिगेट करके उसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाने के लिए, और वो केस जो कि भारतीय राजनीति के लिहाज से, अपराध के लिहाज से, क्रिमिनल राइट्स के लिहाज से, कॉन्स्पिरेसी के लिहाज से एक तरह से मील का पत्थर, और उसमें सजा का होना वो भी इतने बड़े पैमाने पर, धन्यवाद एक बार फिर से। थैंक यू।